कि आपके मैथ का 1.2 में यहाँ तक बता दिया था, ये 9 तक। इसमें कहा हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 2 और 3, तो 2 और 3 तो आप डायरेक्ट लिख रहे हो, इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो इंटीजर। रेशनल नंबर किन्हीं दो डिजिट के बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अब ये आपको एक्स निकालना पहले भी सिखाया था, फिर बता दूँ, ये 4/7 = x/49, ये 49 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 49/7, 7 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 28, तो ये आ गया। अब इसमें इक्विवेलेंट जो नहीं है, देखिए आपको पहले भी बताते, माइनस से माइनस कट गया, तो एक करके दिखा दे रही हूँ मैं आपको, 15/35 = 3/7, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में इक्वल आ रहा है, तो वो यस है। ऐसे ही इसका करके देखना, 3/7 = 6/14, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 42 = 42, इस केस में नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब और फर्दर डिवाइड ना हो सके, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो नीचे, ये तो तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये 3/4 है, ये नहीं आपका इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए क्वेश्चन गलत है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सभी हैं। ये वाला एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स में बस साइन चेंज कर देंगे, 4/5 हो जाएगा, माइनस हटा देंगे, अब ये डिवाइड करेंगे, कैसे करते हैं मैं सिखाती हूँ, -4/3, इसको 1/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगता है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 4/1, ये हो गया ऊपर ऊपर का इनटू -16/3, ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, 8 × 2 = 16, अब नहीं कटता, 2 × 7 = 14, माइनस का 14 नीचे आएगा 5, ये एक्सर चैप्टर 1 फिनिश हो गया।